हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल दलिया, जो खाने में काफी हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है दलिया, ले लिया हमने एक कटोरी, आधा कटोरी हमने मूंग की दाल ले ली है, एक टमाटर ले लिया कटा हुआ, धनिया पत्ती ले लिया कटे हुए, प्याज ले लिया एक बड़ा कटा हुआ, लहसुन ले लिया हमने 8 से 10 कलिया, दो हरी मिर्च बारीक काट लिए, मटर लिए, आलू लिया है हमने एक, थोड़ी सी गोभी ली है फूल गोभी, शिमला मिर्च लिए एक, एक गाजर लिए। अब हम इसको दलिये को और मूंग की दाल को हम धो लेते हैं। हमने दाल और दलिये को हमने धो लिया है इसको अच्छे से। अब बनाना शुरू करते हैं। हमने कुकर रख दिया है, अब इसमें हमने डाल दिया है देसी घी। अब हम इसमें डालते हैं जीरा, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, इसको चटकने देंगे। अब हींग डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी, अपना कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं, इसको चला लेते हैं। लहसुन हमारा भून गया है, अब अपनी कटी हुई बारीक प्याज डाल लेते हैं। इसको भी हम भून लेते हैं। प्याज हमारी भुन गई है, अब हरी मिर्च डाल देते हैं अपनी बारीक कटी हुई, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार मिर्च डालते हैं, इसको हम चला लेंगे। एक चम्मच धनिया डालते हैं, अब हमने कटे हुए टमाटर इसमें डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे सारी, मटर डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं, गोभी डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं और शिमला मिर्च डाल देते हैं। सब्जियों को हम अच्छे से भून लेते हैं। सब्जी हमारी भुन गई है, अब हम अपना धुला हुआ दलिया डाल देते हैं सारा। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं।
अब हम अपना स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं। हमने एक चम्मच नमक डाला है, इसको भी हम चला देते हैं। सब्जी और दलिया हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालते हैं पानी। हम पानी डालेंगे, हमने 1.5 कप लिया है दलिया और दाल, हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी। इसको चला देते हैं और 2 सीटी आने तक इसको पका लेते हैं। दलिया हमारा बन चुका है, आप खोल के देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया इसका। सारी सब्जियां भी हमारी एकदम से दिख रही हैं, घुली नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दलिया बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा बना है, ये काफी हेल्दी और पौष्टिक है। ये हमारे बच्चे नहीं खाते दलिया, अगर हम इस तरह से बना के खिलाएंगे तो बार बार आपसे डिमांड करेंगे बनाने के लिए। अब हमने इसको चटनी और दही के साथ सर्व किया है। अगर ये ना भी हो तो हमें ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा बनाया हुआ दलिया आपको कैसा लगा? आप भी बनाइए, खाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हमारी राधा मोहिनी की रसोई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स बताइए हम आपके लिए और क्या क्या नई नई रेसिपी लेकर आए। जब तक के लिए थैंक यू।